हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं ग्लूट्स का होम वर्कआउट, द वर्कआउट्स आई डिड टू मेक पीच शेप ग्लूट्स। तो आज के वर्कआउट्स टोटली होम बेस्ड रहने वाले हैं, तो आप जिम में भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, ऑल अप टू यू। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज होम वर्कआउट फॉर ग्लूट्स। बट रुक जाओ, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। Let's start our home workouts for P-shaped glutes. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने बॉडी वेट स्क्वाट्स के साथ। इससे क्या होगा, एक तो आपका फर्स्ट वर्कआउट हो जाएगा एकदम थोड़ा लाइट सा हो जाएगा एंड आपकी पूरी लोअर बॉडी रेडी हो जाएगी वर्कआउट शुरू करने के लिए। आज आपको जितने भी वर्कआउट्स करने हैं, हर वर्कआउट के आपको 3 सेट करने हैं, 3 सेट के 15 या 16 रेपिटेशन करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप 20 तक जा सकते हो तो 20 तक भी जा सकते हो, ओके? तो 15 से 20 के अराउंड जितनी भी रेपिटेशंस आपसे हो रही हैं हर सेट में उतनी करना, 3 सेट करना है हर वर्कआउट के। मैं आपको सिर्फ 1 सेट शो करने वाली हूँ एंड यू कैन रिपीट द अदर 2 सेट्स। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट अपना बॉडी वेट स्क्वाट्स। जब भी आपने ऊपर आना है तो आपने ग्लूट्स को स्क्वीज इन करना है। चलो जो अपना सेकंड हम वर्कआउट लगाएंगे वो हम लगाएंगे डेडलिफ्ट्स का, बट नॉट द बैक वाला डेडलिफ्ट। इसमें क्या होता है, आपके जो बैक के डेडलिफ्ट्स होता है, आई शो यू फ्रॉम साइडवेज कैसे जाते हैं। तो आपके अज्यूम आपके हाथ में डंबल्स है, आप बैक के डेडलिफ्ट में ऐसे जाते हो, आप नीज को हल्का सा बेंड करते हो। बट व्हेन इट कम्स टू योर ग्लूट्स के लिए जो आप डेडलिफ्ट्स लगाते हो, यू सिंपली गो डाउन, बट आपके नीज पूरे बेंड होते हैं, आपका सारा फोकस यहाँ आता है, ठीक है, ना कि बैक पे। एंड देन यू कम अप एंड देन अगेन स्क्वीज इन, ठीक है। स्क्वीज इन जरूर करना हर वर्कआउट में ग्लूट्स के, यू हैव टू स्क्वीज इन, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। सो डाउन अप स्क्वीज, डाउन अप एंड स्क्वीज, ऐसे। तो आपको अगर विदाउट डंबल्स करना है विदाउट डंबल्स कर सकते हो, अगर आपके पास डंबल्स हैं चाहे कितने भी हैवी हो, यू कैन यूज दैट। एकदम स्लो करना है, डोंट हरी इट। बर्न हियर, बहुत गंदा बर्न फील होगा, बट दैट्स वेयर योर ग्लूट्स स्टार्ट ग्रोइंग। तो अपने हर वर्कआउट के 3 सेट जरूर कंप्लीट कर लेना, बिटवीन 1 सेट प्लीज 1 मिनट से ज्यादा का गैप मत लेना, रेस्ट मत लेना, ठीक है। हमारा थर्ड वर्कआउट हम करेंगे ग्लूट ब्रिजेस, तो उसके लिए हमें एक मैट चाहिए होगा। बिना मैट के करना, बिना मैट के भी कर सकते हो।
तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है कि आप जितना अपने पैरों के, अपने हाथों को अपने पैरों के नियरेस्ट लगा सकते हो, ठीक है, उतना नियरेस्ट कर लो. यू कैन टच इट, वेल एंड गुड. ठीक है, उसके बाद आपको अपना ये एरिया ऊपर लिफ्ट करना है इसकी हेल्प से, आपके ग्लूट्स की हेल्प से. ठीक है, तो 1, 2 एंड 3. तो ये क्या हो रहा है, आपको यहाँ आपको स्क्वीज इन करना है इस पार्ट को. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है. बर्न इधर करेक्ट है, तो यू विल फील द बर्न इन द ग्लूट्स. ठीक है, तो अगेन अब 1 मिनट का रेस्ट लेंगे और अपने इसके अगले 2 सेट्स कंप्लीट करेंगे. तो नेक्स्ट अपना 3 सेट्स हमने कंप्लीट कर लिए ग्लूट ब्रिजेस के. नेक्स्ट हम करेंगे बैक किक्स करेंगे. अगेन हमें मैट की जरूरत पड़ेगी, तो आपको इस पोजिशन में आ जाना है. इस पोजीशन में आने के बाद आपको क्या करना है, सी माय लेफ्ट लेग आगे लेके आनी है एंड देन पीछे स्ट्रेट. तो आगे स्ट्रेट, आगे स्ट्रेट, पूरा फोकस आपको ग्लूट्स पे रखना है. एक लेग कंप्लीट होने के बाद आपको सेकंड लेग के सेट्स करने हैं. अगेन फ्रंट बैक स्लोली करो, स्क्वीज करो, उतना ही इंपैक्ट ज्यादा अच्छा पड़ेगा. भी 3 सेट्स कंप्लीट कर लेना एंड इसके बाद हमारा सिर्फ 1 वर्कआउट रह गया ग्लूट्स के लिए. तो अब अपना लास्ट वर्कआउट करेंगे, 5th वर्कआउट ग्लूट्स के लिए. दैट इज हमने अभी तक जितने वर्कआउट्स किए थे वो हमारे बैक ग्लूट्स को फोकस कर रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, अपने साइड ग्लूट्स को फोकस करेंगे. तो साइड ग्लूट्स के लिए हम करेंगे, जैसे हमने बैक किक्स करी थी, अब हम करने वाले हैं साइड किक्स. तो आपको कोई भी चीज़ ऐसे घर में लाइक स्टेयर केस का जो साइड में ग्रिल्स होती हैं, आप उनको पकड़ के सिंपली आपको क्या करना है, आपको इतना पैर रखना है यहाँ, उसके आगे फ्रंट में अपना पैर रखो एंड देन पुश इट टुवर्ड्स द साइड. जब आप ये वर्कआउट करोगे तो आपको साइड डिप्स जो होते हैं, हिप डिप्स होते हैं, आपको यहाँ पे पूरा अच्छा खासा बर्न फील होगा.
ऐसे आपको इसके 3 sets कंप्लीट करने हैं। थोड़ा स्लो करने की कोशिश करना, बट ये वाला वर्कआउट थोड़ा सा टफ होता है, आपको यहाँ पे बहुत बर्न फील होता है। 1 second के लिए रुक जाना, फिर दोबारा से अपना 15 का set कंप्लीट कर लेना एंड फिर हमारे ग्लूट्स का वर्कआउट। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।